गुड मॉर्निंग क्लास, 10th क्लास। आज हम आप लोगों को रिवर्स को मैथ में करना सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा रिवर्स के विषय में उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को, तो मैंने बेटा सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है इसको मैंने बताया था बेटा। तो सिंधु नदी को बताया था बेटा, ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है बेटा? ये तिब्बत के पठार पर है। कहाँ पर स्थित है बेटा? तिब्बत का पठार। और ये किस देश के अंतर्गत में आता है बेटा? चीन के अंतर्गत में आता है। और यहीं पर झील है कौन सी बेटा? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील और अर्थात जो सिंधु नदी की जो टोटल डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है बेटा? 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में जो ये बहती है बेटा 1050 किलोमीटर। कौन? सिंधु नदी। तो मालूम हो गया बेटा, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये बेटा सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखिए मैंने बनाया है यहाँ तक आया, और जाके सीधे कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। कभी कभी बेटा ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, आधा नंबर आपको भरने के लिए दे देता है और आधा नंबर आपसे पूछ रहा है कहाँ गिरती है। तो गिरती है कहाँ से बेटा? गिरती है अरब सागर में, या तो नदियाँ गिरती हैं या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, है ना बेटा। तो अब बात कर रहे हैं बंगाल की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो बेटा मैंने उस दिन नदियों का चैप्टर बताया था, तो मैंने बताया था कि नदियाँ भारत में नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ बेटा। ये बात आपको रट के रखना है, बिल्कुल याद रखना है। तो हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में मैंने बताया था। तो आप लोगों को समझना है जो हिमालय ये वाले ऊपर वाले क्षेत्र से निकलती है तो हिमालय नदियाँ कहलाती है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे बताया था मैंने, जो ये तीन ओर से जल से समुद्र के जल से तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है ना बेटा। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। तो अब बात करते हैं मानसरोवर झील की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने सिंधु नदी के विषय में बताया। सिंधु नदी की टोटल डिस्टेंस मैंने 2880 किलोमीटर बताया, जो 1050 किलोमीटर भारत में बहती है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है ये तो सिंधु, ठीक है। ये जाके ठीक है बेटा पूरे ये इंडिया को क्रॉस करते हुए, जम्मू कश्मीर में वाले क्षेत्र को ये क्रॉस करते हुए और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद झेलम, चिनाब, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनको भी इनके विषय में भी आपको याद रखना है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है बेटा? तो झेलम नदी निकलती है बेटा, एक एक करके सीखेंगे। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है बेटा? शेषनाग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शेषनाग की पहाड़ियों से निकलती है। बेटा कहाँ से निकलती है? शेषनाग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा? शेषनाग की पहाड़ियों से निकलती है। फिर बेटा बात करते हैं शेषनाग की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है बेटा? तो झेलम नदी निकलती है। फिर बात करते हैं चिनाब की, बात करते हैं बेटा तो चिनाब जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है बेटा? बाड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है। बाड़ा लाचा दर्रा किस दर्रे के पास से निकलती है? बाड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है। तो एक एक करके बात याद रखेंगे। तो जो झेलम नदी है बेटा, झेलम नदी की टोटल डिस्टेंस मैंने अभी ये सबसे ऊपर वाली झेलम है, ठीक है। तो झेलम नदी की लंबाई जो है अभी मैंने बताया है कि कितनी है बेटा, याद रखना है बेटा, 725 किलोमीटर है। किसकी है बेटा? झेलम नदी की। और चिनाब नदी की आपको याद रखना है बेटा, ये कितनी बेटा, इसकी लंबाई कितनी है? ये 960 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है बेटा? 960 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है? तो बाड़ा लाचा दर्रे के पास से। तो बाड़ा लाचा दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है बेटा? चिनाब नदी निकलती है, ठीक है। और रावी नदी जो कहाँ से निकल रही है बेटा? तो चिनाब जो है बेटा, रावी जो है वो कहाँ से निकलती है? रावी की जो लंबाई है बेटा वो कितनी है? रावी नदी की लंबाई कितनी है बेटा? 720 किलोमीटर है ना। कितनी किलोमीटर है? 720 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। कितनी है बेटा? तो रावी नदी की लंबाई। और रावी कहाँ से निकलती है बेटा? तो देखिए रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। कौन से दर्रे के पास से? रोहतांग
दर्रे के पास से निकलती कौन सी बेटा, रावी नदी निकलती है। फिर व्यास की बात करते हैं बेटा, तो ये बेटा ये जो है व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा, व्यास कुंड से निकलती है। और व्यास कुंड कहाँ है, ये रोहतांग दर्रे के समीप ही स्थित है। क्या है, व्यास कुंड। और व्यास नदी की जो लंबाई आपको याद रखना है बेटा, वो व्यास नदी की जो लंबाई याद रखना है बेटा 470 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 470 किलोमीटर है। किसकी लंबाई बेटा, 470 किलोमीटर है, ठीक है। तो व्यास नदी की लंबाई, तो बेटा सतलज नदी की बताइए बेटा याद रखना है, तो बेटा टोटल कितनी है, 450 किलोमीटर है। और भारत में जो बहती है बेटा कितने, 930 किलोमीटर ये बहती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को चिनाब नदी को 960 याद रखिएगा बेटा, चिनाब नदी जो है उसकी टोटल लंबाई भारत में कितनी है, 960 और 930। और टोटल अगर पूछ लेता है सतलज की तो बेटा का, और उसके बाद जो सतलज है, ठीक है, सबसे लास्ट वाली बात करेंगे, सतलज की बात करेंगे तो सतलज की लंबाई मैंने ये बता दिया 1450 किलोमीटर टोटल है, 930 किलोमीटर भारत में बहती है। तो बेटा यहाँ पर याद रखना सतलज कहाँ, ये बेटा मानसरोवर के पास में कौन सा ताल है, रासक ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा, रासक ताल से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है बेटा, सतलज नदी निकलती है। तो आपको याद रखना है, यही चीजें आपको याद रखना है। तो रासक ताल से कौन सी नदी निकलती है, सतलज निकलती है। व्यास कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के समीप स्थित कौन सा, व्यास कुंड से निकलती है। फिर रावी नदी कहाँ से निकलती है बेटा, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है बेटा। और चिनाब नदी आपसे पूछा जा रहा है तो बाड़ालच्छा दर्रे के पास से निकलती है। और झेलम नदी कहाँ से निकलती है बेटा, शेषनाग की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई बेटा, यहाँ पर याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आपको याद रखना है बेटा। फिर बात करेंगे, फिर बात करते हैं बेटा गंगा नदी की बात करते हैं, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड है ना बेटा, यहाँ पर ये वाला उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में जो है गंगोत्री ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है बेटा, गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से बात करेंगे अगर हम बेटा, बात करेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, गंगा नदी निकलती है। और ये बेटा भारत में इसकी गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितना, 2525 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर बेटा, 2525 किलोमीटर है, है ना। और यमुना नदी भी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ, कौन सी ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर के। पोथा बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए याद रखना है। तो अभी हमने बताया बेटा, तो ये आपको यहाँ नदियाँ बताई, लेकिन गंगा और यमुना जो नदियाँ हैं कहाँ गिरती है, तो बेटा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगर सिंधु की सहायक नदियाँ बोले तो सिंधु की सहायक झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये अरब सागर में गिरती है। इनको याद रखना है बेटा, सिंधु के जल को लेकर 1960 में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था बेटा, सिंधु समझौता हुआ था, कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था बेटा, 1960 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के आयूब खान थे, ठीक है, ठीक है, कौन बेटा, आयूब खान थे। और इनके मध्य जो है सिंधु समझौता हुआ था, सिंधु समझौता हुआ था। सिंधु समझौता के अनुसार क्या था बेटा, जो ये ऊपर की जो तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, देखो 1 2 3 अर्थात सिंधु, झेलम, चिनाब जो नदियां थी, इनके जल का प्रयोग जो है भारत मात्र 20% अर्थात इनके जल, जो सिंधु, झेलम, चिनाब की नदियों का जो है जल कितना भारत को मिलेगा, 20% मिलेगा। और सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, इन पर सिंधु, झेलम, चिनाब की जो नदियां थी इनके जल का 80% जो है जल कौन उपयोग करेगा, पाकिस्तान करेगा। फिर बेटा जो नीचे की बची है नदियां कौन सी बची है, रावी, व्यास, सतलज, तो रावी, व्यास, सतलज नदियां हैं, इनका जो है ये जो नदियां हैं
रावी व्यास सतलज जो नदियां हैं इनके जल का उपयोग भारत 80% जल का उपयोग करेगा और 20% जल का उपयोग कौन करेगा बेटा पाकिस्तान करेगा। तो ये सिंधु समझौता हुआ था 1960 में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए बात है बेटा, और फिर भी तब भी मैं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आता है, ये भी समझता है सिंधु समझौता कब और किसके किसके मध्य हुआ था और क्या क्या प्रोसेस था उसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी बताई है हमने, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी बता दी है। और इस दूसरी जो गंगा यमुना नदी का जो टोटल डिस्टेंस बताया मैंने 1375 किलोमीटर और ये प्रयागराज के पास जाकर ये क्या हो जाती है बेटा ये मिल जाती है, याद रखिएगा बेटा कहाँ पर मिल जाती है प्रयागराज, कहाँ बेटा प्रयागराज याद रखना है, प्रयागराज में जाकर ये मिल जाती है। तो ये बेटा सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है तभी आपको समझ में आएंगे, जब आप अच्छी तरह से समझेंगे और समझ समझ के पढ़ेंगे तभी आपको नदियों से रिलेटेड संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। तो बेटा इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो समझ में आया होगा आप लोगों को, इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ इनको याद रखना है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, अब वो ट्रिक क्या होगी बेटा, तो ट्रिक हो जाएगी आपको गंगा नहीं होगा यहाँ पर बेटा, एक चीज और ध्यान देना है, तो क्या ध्यान देना है बेटा ब्रह्मा की गोद में गंगा, ठीक है। तो ब्रह्मा की गोद में गंगा ये याद रखना है बेटा, तो यहाँ इसको इसको ये तोड़ना है, तो ब्रह्मा से हो जाएगा बेटा, कौन सी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, की को बेटा याद रखना है बेटा, तो की हो जाएगा बेटा कावेरी हो जाएगा है ना, और का से ही हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा है ना बेटा। और उसके बाद गोदे से हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी की लंबाई कितनी है बेटा 1465 किलोमीटर, कितनी है बेटा 1465 किलोमीटर टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है। कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, में गोदावरी हो गया, में से हो जाएगा बेटा महानदी, कौन सी हो जाएगा में से कौन सा हो जाएगा महानदी है ना, और गंगा गंगा ही रहेगी। तो ये चीजें याद हो गई ना आप लोगों को, तो ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है बेटा, वो इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश में जो रिवर है उनको रिवर कहते हैं और गंगा को गंगा, सिंधु को इंडस ज्यादा से ज्यादा होते हैं, और सभी झेलम चिनाब रावी अयूब खान पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सभी को एक ही बात है, एक ही लैंग्वेज होगी वो हिंदी में ही होगी, ठीक है। तो आप हिंदी में बोलेंगे चाहे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड एक ही रहा होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को याद रखना है, समझना है इसको, समझिए और समझने के पास अब दर्रे को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, दर्रे को पास कहते हैं, ठीक है, पास माने दर्रा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, लीक माने झील होती है, क्या होती है लीक माने क्या होती है बेटा झील होती है, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा और इसको याद करना है और समझना है, नहीं समझ में आया आप दोबारा जो है कमेंट्स करके मेरे से जरूर पूछेंगे। तो आज के लिए आपसे इतना ही है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे क्योंकि ज़्यादा है, इनको पूरा बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ओके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।